दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत दमदार रही और कप्तान रोहित शर्मा ने मात्र 29 गेंद पर 47 रनों की धुआंधार पारी खेली और अपनी पारी में 4 चौके और 4 शानदार छक्के लगाई और 162 की स्ट्राइक रेट से 47 रन बना दिए। उन्होंने आते ही मैदान के हर कोने पर चौके और छक्कों की बारिश शुरू कर दी। हालांकि रोहित शर्मा मात्र 8वें ओवर में आउट हो गई थी लेकिन तब तक भारत का स्कोर 71 रन पहुंचा चुके थे। रोहित शर्मा तब आउट हुए तब सुमन गिल मात्र 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन उसके बाद विराट कोहली बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। उन्होंने सुमन गिल के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और देखते ही देखते दोनों ने भारत का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। सुमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 47 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और 7 चौके और 2 शानदार छक्के लगाई। उसके बाद भी उनका बल्ला खामोश नहीं रहा और 65 गेंदों पर 79 रन बना दिए। हालांकि सुमन गिल पैर की इंजरी के कारण रिटायर हट होकर पवेलियन लौट गई और अपने 79 रनों की पारी में 8 चौके और 3 शानदार छक्के लगाकर गई। हालांकि वो बाद में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर सकते हैं। गिल के बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर। उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और भारत का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर दिया है और वर्ल्ड कप 2023 का 7वां अर्धशतक जमा दिया है। विराट कोहली फिलहाल 69 गेंदों पर 63 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 5 चौके एक शानदार छक्का लगा चुके हैं और 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 210 रनों पर 1 विकेट हो चुके हैं और अभी भी यहां से 20 ओवर का खेल बाकी है और सूर्या और के राहुल जैसे बल्लेबाजों का आना बाकी है। आपके अनुसार भारत पहली पारी में कितना स्कोर कर पाएगी हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।